हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मनप्पुरम के बारे में, फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 4 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले मनप्पुरम में, यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज के दिन मनप्पुरम में हमें 128.80 पे क्लोजिंग देखने में 2.68% का नेगेटिव मूव हमें देखने मिल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के यानी कि मंडे के क्लोजिंग बेसिस पर ट्यूसडे के दिन कल के दिन यहाँ पे हमें क्या देखने मिलने वाला है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से थोड़ा कम हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। कैंडल मीडियम साइज की, मीडियम टू लार्ज साइज की, दोनों के समय बारीक बारीक विक देखने मिल रही है। आरएस हमारा 61-62 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आरएसआई इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक नेगेटिव मूव का। एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो हमें अराउंड 126.6 के आसपास देखने में, उसको भी क्रॉस कर देगा तो मूवमेंट हमें इजिली 124.13 तक आते हुए देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए रिसेंटली हमने स्टॉक एनालिसिस किया था, वहाँ पे आपको बताया था। अगर आपको जानना है जरूर उस वीडियो को देख ले। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए बना रखे चार्ट में बात करते कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस हमें जरूर मार्क करना है। स्टॉक जो है अपना यहाँ पे 52 हाई जो है लगा है, तो इस रेंज में हमने स्टॉक का कोई एनालिसिस नहीं किया था। तो जो भी मैं मार्किंग्स कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा आप भी जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे मार्किंग्स कर ले, क्योंकि ये मार्किंग्स जो है बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस का जो खास करके मेंटेन करने में। तो जरूर जब सेम टू सेम अपने चार्ट में मार्किंग्स कर ले। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ इसके क्लोजिंग की, तो यहाँ पे जूम करके थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे 128.85 पे क्लोजिंग हमें देखने मिली है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 128.30 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 129.85 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जो और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 126.35 का, उसके बाद 125.30 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 131.05 का, उसके बाद 133.40 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताएं जरूर आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो जरूर एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। 129.85 से लेकर 131.05 के रेंज में हमारी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आए तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।